एंटी-टेररिस्ट के चेयरपर्सन हेलो श्री बिट्टा जी का जिला पलवल की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये पलवल की धरती श्री महेंद्र सिंह बिट्टा जी को बधाने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि एक ऐसी महान शख्सियत जिस दौर के अंदर पंजाब के अंदर महाकांड मची हुई थी, आतंकवाद अपने चरम पर था, कितना ही आतंक घटनाओं को उन्होंने अपने सामने झेला, अपने ऊपर झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। शहीद तेरी मौत है, इस वतन की जिंदगी तेरे लहू से जाग उठी, इस चमन की जिंदगी। आदरणीय हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट वत्स साहेब ब्रिजमोहन जी, मेरे भाई गौतम साहब और मेरे साथ आए हुए मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी विनोद भारद्वाज जी, मेरे पुराने यहां के साथी चौधरी साहब, मेरे भाइयों बहनों और मेरे साथियों, मैं सीधा फ्लाइट से उतर करके, क्षमा करना फ्लाइट लेट हो गई, मैं सीधा पहुंचा, मेरे बस में नहीं था, पर मैं आज आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक वो जिम्मेदारी उठाई है उन शहीदों के मान सम्मान के लिए जिन शहीदों ने मौत सीमाओं की रक्षा की थी और शहादत का जाम पिया था, और उनकी बदौलत हमारा देश आज सीमाओं पे आजाद है, और आज हर गोली का जवाब हमारे जवान गोली से दे रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी हमें इस मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए अभी बहुत कुर्बानियां देनी है। पाकिस्तान की तरफ से रोज फायरिंग होती है कि हमारी सेना को खुली छूट है कि पाकिस्तान की तरफ से एक गोली चलेगी उसका 100 गोली में जवाब दिया जाएगा, और वो दिया जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं हमारे है, इसमें कोई शक नहीं। पर प्रथम राष्ट्र मातृभूमि पहले पाकिस्तान के साथ और कश्मीर के अंदर वो आतंकवादियों के नेता, उसके साथ हमने समझौता नहीं किया। जिस दिन अपनी गलती मानोगे उस दिन समझौते की बात होगी, और जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानोगे समझौता नहीं होगा। एक गोली चलेगी 100 गोली का जवाब दिया जाएगा, ये पाकिस्तान को बता दिया। पत्थर चलते हैं, हमारी गाड़ियों पर फायरिंग होती है, और ऊपर से कई पॉलिटिकल पार्टियां उन पत्थरबाजों की फेवर में आ जाती हैं। वहां की वो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा कहती है, ये भड़के हुए लोग हैं, ये हमारे राष्ट्र के नौजवान हैं, ये कश्मीर के नौजवान हैं, इनको हमें रास्ते पे लाना चाहिए। यह कभी नहीं हो सकता जो हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग करेगा, हमारे जवानों के ऊपर गोली चलाएगा। कश्मीर की धरती के अंदर हिंदुस्तान का हिस्सा है कश्मीर, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे को आग लगाई जाएगी,
भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात होगी, उन लोगों के साथ कभी बात नहीं हो सकती, गोली का जवाब गोली ही रहेगा। यह हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान हमको धमकी देता है, आंख दिखाता है। पाकिस्तान को ये कहना चाहते हैं, हे भारत तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। उनकी ऐसी की तैसी पाकिस्तान वाले, इनको बहुत देखा है हमने पंजाब के अंदर। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बात आ जाओ, ये तो अरे हिंदुस्तान का नौजवान, ये तिरंगे झंडे लेके तेरे पाकिस्तान में लोहे का गेट तोड़ के घुस जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त धमकी आई थी, बिट्टा को बोलो कि हमें गाली देनी बंद करे, ये तो हम गोली चलाएंगे। मैंने माइक पकड़ा, मैंने रेंजर को बोला और गाली निकालेंगे आपको, और आपके खिलाफ पूरी दुनिया में पेश है। खबरदार, मैंने कहा था पाकिस्तान, ये 2 लाख की भीड़ तिरंगे झंडे लेकर के तेरा लोहे का गेट घुस करके तिरंगा झंडा तेरे लाहौर में लहरा देंगे, तेरी गोलियां भी खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को दिखाया। 2000 ताली।